दावत की तैयारी है। दावत? चल रहे हैं। क्यों नहीं? यार तेरे कपड़े सही नहीं लग रहे मुझे। इस पे कौन सा बड़ा मसला? अभी चेंज करके आया हूँ मैं। चलो ठीक है, जल्दी आना। कहाँ? यार शहर जा रहा हूँ काम से। क्या? किसके साथ? अकेला हूँ, बाइक पे। चल रहे हो क्या? हाँ, क्यों नहीं, काम तो नहीं है कोई? नहीं नहीं, बस घूम के आते हैं। चलो कितना मजा आया था घूमने। आइसक्रीम तो गर्मी थी ना, मजा दे रही थी। जो बात है। ओह, चले नमाज पे। तुम भले हो क्या? मैं यहाँ बैठता हूँ। क्यों यार? मेरे कपड़े पाक नहीं है। कपड़े चेंज करने में कौन सा टाइम लगता है यार? मैं ऊपर जाऊं फिर कपड़े चेंज करूं, फिर नीचे आऊं फिर नमाज पढ़ूं। यार तुम जाओ यार, सुस्ती ना करो यार, जिंदगी में कौन सा भरोसा यार। खैर मैं सो रहा हूं, मैं कल पढ़ूंगा, तुम जाओ। चलो ना, आओ यार, जाओ यार, बस ठीक है, तेरी मर्जी। ये लो, मैं पता नहीं कहां कहां से है, अभी तक सोया हुआ। शेर 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 काश यार कल उसने नमाज पढ़ी होती। यार ना, कल उसने इरादा तो किया था नमाज का, उस इरादे की सदके मेरे दोस्त की बख्शिश कर देना। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। देखो, हम दुनिया के काम कितने शौक से करते हैं, और जब नमाज का टाइम आता है तो हम बहाना बनाना शुरू हो जाते हैं। भले ही कपड़े पाक भी हो तब भी कहते हैं कि हमारे कपड़े पाक नहीं, हमें कहीं घूमने जाना है, अभी हम नहीं पढ़ सकते। देखो यार, जिंदगी पे कोई भरोसा नहीं है, आज है कल हो ना हो, इसलिए जितना हो सके हम नमाज कायम करें। आज की बात हम कल पे ना छोड़े तो अच्छा है, क्योंकि जिंदगी पे कोई भरोसा नहीं, इसलिए नमाज कायम करें।